अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती पीएचओएस धरना अपडेट टुडे। तो लेखपाल भर्ती में जो पीएचओएस कैंडिडेट हैं, लगातार उनका धरना जारी है। तो क्या है आज की अपडेट, चलिए उसको देखते हैं। आज पीएचओएस धरने में होंगे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष, और वहीं आप ये भी देख रहे होंगे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशित पत्र का असर। तो क्या हुआ असर, उसको भी देखते हैं। आज धरना स्थल कुछ खास होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी भाई बहनों तक यह वीडियो पहुँच सके। चूंकि अब केवल हाथ पर हाथ रखने का समय नहीं है, अगर आपको अपने हक को पाना है तो उसके लिए जागना होगा। जो सो गए हैं तो सोना नहीं, जागना है। चलिए क्या है अपडेट, उसको देखते हैं। ये देखिए कार्यक्रम सूचना, दिनांक 4 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों के साथ लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजनों के धरना स्थल इको गार्डन लखनऊ में शामिल होकर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। भौदीय आनंद तिवारी, प्रवक्ता दिव्यांग महागठबंधन, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी। तो ये देखिए, मीन्स कहने का मतलब, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष ने जैसा कहा था, उन्होंने पहले कानपुर में विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले को संज्ञान में लाने की बात कही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बात नहीं बनी, पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, और बात नहीं बनी तो हम आंदोलन को और बढ़ाएंगे। तो क्या है अपडेट, उसको भी देखते हैं। और आपको वहीं ये भी है कि लेखपाल भर्ती पीएचओएच पहुंचे लखनऊ इको गार्डन, आज धरना स्थल कुछ खास आग्रह है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी दिव्यांग भाई बहन, चाहे वो नई लेखपाल भर्ती के हों, चाहे लेखपाल भर्ती 2022 के हों, उनके साथ जो धोखा हुआ है, विज्ञापन में स्थान होते हुए भी, परीक्षा देने के बाद भी, चयनित होने के बाद भी, कहिए कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना कितना बड़ा अन्याय है, ये राजस्व विभाग और UPSSC आयोग अच्छी तरह जानते हैं। तो उसको अब ऐसे नहीं जाने देना है। अब देखिए, आपको साथ मिल रहा है, तो जितने भी दिव्यांग भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज सपोर्ट करें और इको गार्डन पहुँचें। अगर जो भी भाई बहन निकट के हों, क्योंकि धरना पर माननीय अध्यक्ष जी के पहुँचने का समय 11 बजे का दिया गया है, तो निश्चित तौर पर आप उससे पहले पहुँच सकते हैं। जो नज़दीकी हैं वो तो बिल्कुल पहुंचे, ठीक है। वहीं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, जो उनको 2 तारीख को पत्र मिलकर दिए थे, तो वहां देखिए उनका, उन्होंने जवाब दिया है। मैंने वैसे कल शाम के वीडियो में बताया भी था, ये पत्र आप देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, विधान भवन लखनऊ, पिन देखिए। प्रिय श्री राजेश मौर्य एवं समस्त दिव्यांग अभ्यर्थी, आपका पत्र दिनांक 2 सितंबर 2024 को प्राप्त हुआ। मेरे कार्यालय के पत्रांक संख्या UP 27-73-67 दिनांक 3 सितंबर 2024 द्वारा उक्त पत्र कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश के साथ प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दिया गया। ये राजेश मौर्य और अन्य समस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, और माननीय उप मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वास्तव में बिल्कुल हो भी सकता है और होकर रहेगा।
इतना तो तय है। चलिए वहीं आपको हम दूसरी अपडेट भी देते हैं कि जो ये दिव्यांग राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष जी उन्होंने क्या कहा था, उसको भी आप खुद से सुन लें कि क्या वास्तव में वो अपनी बात पर अडिग हैं कि नहीं। देखिए, विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के माध्यम से राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि दिव्यांगजनों के को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बने। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू होना चाहिए। नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा होना चाहिए। दूसरा, लेखपाल कुछ हमारे दिव्यांग साथी लेखपाल भर्ती में पास हुए हैं और पास होने के बाद उनको नौकरी नहीं दी गई। उनको जो है सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नौकरी नहीं दी गई। वो इको गार्डन लखनऊ में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने माननीय विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है और हमने ये अपेक्षा की है कि मुख्यमंत्री जी तक मामला उनके संज्ञान में ला करके और दिव्यांगजनों को न्याय दिलाएंगे। एक तो रिजर्वेशन कोटा नहीं पूरा हो रहा है, दूसरा जो लोग किन्हीं विभाग में अगर उनका उनकी नियुक्ति हो के लिए वो पास कर लेते हैं, पेपर दे लेते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उनको ज्वाइन नहीं कराया जाता है। अधिकारियों की मनमानी चल रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आखिर कब तक दिव्यांग सहेगा? ये दिव्यांग अब कानपुर में पूरे देश का दिव्यांग अब आंदोलित है और अगर सरकार नहीं सुनती है दिव्यांगजनों की आवाज़ को तो फिर आंदोलन एक अंतिम रास्ता होगा। अभी मुख्यमंत्री जी को आज विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के माध्यम से ज्ञापन दिया। तो ये आपने देखा कि माननीय अध्यक्ष जी ने विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिलवाया, लेकिन कुछ नहीं बना तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे और आज वह घड़ी आ गई है। माननीय अध्यक्ष जी लखनऊ इको गार्डन पार्क में आज जो है 11 बजे पहुंच रहे हैं, वो भी दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों के साथ। तो आप सभी से अनुरोध है, जो भी निकट के दिव्यांग भाई बहन हो, संख्या बल को मजबूत करें, दिखाएं। और अब वह दिन दूर नहीं है जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई आज की अपडेट मिलती है आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।